Hi guys and welcome to another vlog. आज हम एक different type of video करने वाले हैं. आज हमारा travel video होने वाली है क्योंकि हम जा रहे हैं लद्दाख. अभी हम आ गए हैं गाड़ी में डीजल भराने और दो गाड़ियां जा रही हैं हमारे साथ, एक फोर्ड एंडेवर, एक स्कोडा स्लाविया. लेकिन स्कोडा स्लाविया अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ अभी नहीं है क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं, उनकी वजह से काफी डिले हो गया और एक दोस्त ने तो कैंसिल ही कर दिया. टाइम तेल भर रहा है गाड़ी के अंदर. मैं आपको मिला देता हूँ अपने फ्रेंड पुनीत से और पुनीत हमें बताएगा कि हम 7 लोग होने वाले थे लेकिन ओरिजिनली, लेकिन अभी हम सिर्फ 2 ही क्यों हैं गाड़ी में. हमारे दोस्त ने बीटी दे दी हमें, बोलता है कि टाइम पे आएगा, तो उसने 1.5 घंटा वेट करा दिया. और उसका नाम अभिषेक मुखर्जी है, आगे ब्लॉग में दिखेगा. तो वो बंदा अभी हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा किस हिसाब का बंदा है वो. क्योंकि उसने हमें पहले 4:30 बजे आने का टाइम खुद दिया और उसके बाद फिर इतना लेट कर दिया उसने हमें. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 6:53 हो रहा है और हम अभी तक दिल्ली से बाहर नहीं निकले, हमने सिर्फ तेल भराया अभी तक. तो अब हम फाइनली आ गए हैं. हमारे बाकी को पैसेंजर्स जो हैं यहाँ पे पहले वेट कर रहे हैं हमारी. तो इन्होंने ये किया कि हम पहले दिल्ली से बाहर निकल गए, उसके बाद फिर हमें वापस दिल्ली में इन्होंने भेजा और अब फाइनली अब हम इनसे मिल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये हमसे वेट कर रहे थे. फाइनली स्कोडा स्लाविया में आ गए हैं. स्कोडा स्लाविया के ओनर विशाल हमारे साथ हैं और जिस इंसान के बारे में आपको बताने वाला था, अभिषेक मुखर्जी, पुनीत ने जिसका अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था वो ये रहे, जिसकी वजह से पूरा हमारा प्लान डिले हो चुका है. ये अभिषेक मुखर्जी हैं, इन्होंने जितनी देर लगाई है इतनी देर कोई इंसान नहीं लगा सकता. सारी मिसकम्युनिकेशन इस इंसान ने करी है अभिषेक ने. और मिसकम्युनिकेशन करने के लिए ना कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए. एग्जैक्टली, इसने कम्युनिकेशन ही नहीं करी है. तो अभी मैं आपको इसके एवरेज दिखा देता हूँ. 15:30 की एवरेज दे रही है. कितनी देर पहले तूने फुल कराई थी? 1 घंटा. वो 550 की रेंज है, 45 लीटर का टैंक है, तो उस हिसाब से काफी रिस्पेक्टेबल है. तो भाई अभी हमें लग रहा था कि हम आगे चल रहे हैं लेकिन एंडेवर आ गया और हम रुके हुए थे इस वजह से कि एंडेवर साथ आ जाए. लेकिन अभी हम पता चला हम 10-12 मिनट के आसपास पीछे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 टोल थे, तो उस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी. तो विशाल भाई थोड़ी सी खतरनाक ड्राइविंग करने वाले हैं. 10 घंटे का टाइम है, देखते हैं कितनी जल्दी कवर अप हो सकता है. कौन खा के आते हैं भाई? भाई थोड़ी गलत बातें करने लगे, पुनीत का मूड थोड़ा चेंज हो रहा है. अभी अभी हमें स्लाविया से मेरे दोस्त का कॉल आया था, गाड़ी का जो प्रेशर है वो लॉस हो गया. टायर में हवा हमने सुबह ही भरवाई थी लेकिन क्या रहा है, टायर प्रेशर लॉस. कहाँ से लग रहा है, कहीं पे हवा कम है? लग नहीं रहा है, इसको आराम बजाते हैं. क्या कॉन्स्टेंटली बज रहा था? एक ही बार बजा, मॉर्निंग आई देख के तो ठीक ही लग रहा है. यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, हवा पंचर होगी? पीछे जाके कहाँ, पीछे जाके टायर देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों आया फिर ऐसा. भाई कैसा लग रहा है पहाड़ों में आके? बढ़िया लग रहा है भाई. भाई पोज दे दे, एक पोज दे दे. नहीं गाड़ी बेकार है, गाड़ी अच्छी है, तू बेकार है. सिचुएशन ये है कि एंडेवर का वॉशर फ्लूइड से पानी नहीं आ रहा, जैसे कि मैं पुल कर रहा हूँ पीछे तो इसके अंदर पानी नहीं आ रहा है और हमने पानी पूरा भर दिया है. और ये पता नहीं ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि ऐसा यूजुअली कभी हुआ नहीं आज से पहले, तो ये पहली बार हो रही है चीज़. फिर ओपन नहीं हो रहा है, जैसे हेडलाइट वॉशर है, हेडलाइट वॉशर अभी ओपन हुआ था लेकिन अभी अभी ओपन नहीं हो रहा और ना वो वाला हो रहा है, हेडलाइट वॉशर हो रहा है ओपन लेकिन ये ऊपर से नहीं ओपन हो रहा और यहाँ से पानी पे बिल्कुल नहीं आ रहा है. तो अभी यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने की कि प्रॉब्लम हुई क्या है. यहाँ पे वॉशर तो बंद किया, अभी कुछ यहाँ से पता नहीं चल रहा. तो भाई पर खाली ऐसे चले जा रहे हैं, कुछ स्प्रे नहीं आ रहा है इसमें बिल्कुल भी. हल्का हल्का आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, उस वाले से आ रहा है, दोनों से आ गया. क्यों नहीं आ रहा था, ये ऊपर तक जा नहीं रहा था? तो इसका पॉसिबली रीज़न यही होगा कि ये वॉशर ऊपर तक स्प्रे पहुँचा नहीं पा रहा था, मोटर में इतनी पावर नहीं थी. लेकिन अभी स्प्रे होने लगा है फाइनली. और साथ ही में यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी लेक है, काफ़ी सुंदर लगती है देखने में. पीछे हमारी वो स्कोडा स्लाविया. तो फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं आगे जाना.
अभी ये भाई बोल रहा है कि गाड़ी पे गाड़ी के टायर पे पानी फेंकना चाहिए वरना टायर ठंडे नहीं होते गाड़ी के। भाई हाईवे पे किया था क्या, मस्त पागल है, पॉज कर देगा आप फेस दिखा रहे खड़े होके। भाई क्या लगता है, टायर पे पानी डालना चाहिए? नहीं भाई, क्या दिक्कत है भाई, अब गाड़ी है, टायर है, चलेगी तो गर्म होगी, कुछ नहीं कर सकते भाई। भाई तू तो एक्सपर्ट है, तूने तो गाड़ियां पलटाई भी है, तू बता। और तेरी भी अच्छा लग रहा है भाई, फोटो अच्छी आ रही है, अच्छा छिला हुआ था, हार्ट पेट छिला हुआ था। भाई अभी बज रहे हैं 8:15 बजे। नीत भाई और मैं दोनों ने प्लान किया कि हम अभी जाके वर्कआउट करेंगे, जबकि हमने ऑलमोस्ट पूरा दिन ट्रैवल ही किया है। तो अभी हमारा प्लान यही है कि वर्कआउट करते हैं जाके, फिर अच्छे से डिनर करेंगे, उसके बाद फिर एक दिन हम मनाली में रुकने वाले हूँ, कल के बाद फिर हम निकलेंगे स्पीति वैली के लिए, क्योंकि स्पीति वैली मनाली से कुछ 5 घंटे के आसपास है, तो वहाँ जाना हमारे लिए थोड़ा मतलब पहले बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बाद में अगर हम ट्राई करेंगे आने का तब तक बहुत थक चुके होंगे जब लद्दाख होके आएंगे। 8:25 का हमारा ETA है, लेकिन 9 बजे जिम बंद हो जाएगा, टोटल 30 मिनट मिलेंगे हमें वर्कआउट करने के लिए, देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो भाई फाइनली अब हम जिम जा रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, लेकिन जिम इतनी लेट से पहुंचने का रीज़न ये है, टाइम बताया तो पहले आपको मैं, ये ऑलमोस्ट 9 बज ही गए हैं, 2 मिनट बजे हैं, जिम बंद हो जाता है इस टाइम पर, लेकिन हमने ओनर से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ पार्किंग नहीं मिल पाई, इस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करके दे दो, और वो पार्किंग इसीलिए नहीं मिली क्योंकि भीड़ इतनी है। मनाली की माल रोड पे है ये, और इतनी ज्यादा भीड़ है कि मतलब यहाँ पे गाड़ी चलाना इतना मुश्किल था, आधे घंटे में एक गाड़ी की पार्किंग नहीं मिली हमें, पूरा भरा हुआ है। और पुनीत भाई कितना एक्साइटेड है तू? बहुत ज्यादा भाई। अब करेंगे क्या करेंगे आज? चेस। बढ़िया भाई, चलो भाई कल मिलते हैं, अब या चेस्ट वर्कआउट के बाद भी देखता हूँ मैं, वीडियो बना पाया। भाई अब हम वर्कआउट करके जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और काफी टाइम बाद काफी अच्छा वर्कआउट हुआ है मेरा, क्योंकि मेरे को तो इंजरी हो गई थी सर में, उन्हीं भी बता रहे हैं। भाई वर्कआउट कैसे हुआ तेरा? भाई जिम में मतलब अगर आप मनाली आओगे तो फ्लूइड जिम, अगर आप जिम मतलब जाते हो फ्लूइड जिम आ जाना, मतलब बेसिक इक्विपमेंट सारी एक्सरसाइज, मजा आ जाता वर्कआउट करके। भाई सारा इक्विपमेंट है, बस एक ही कौन था इस जिम का कि वेट 30 किलो तक का ही था डंबल में, अगर ये 40 kg तक होता आई वुड हैव बीन गुड एनफ विद इट, लेकिन फिर भी यार अच्छा वर्कआउट हुआ क्योंकि नए इक्विपमेंट पे आप सडनली अच्छे से वर्कआउट अच्छे से लिफ्ट नहीं कर सकते। मेन था कि स्टाफ जो था काफी एडजस्ट कर दिया उन्होंने टाइमिंग्स वगैरह भी, हाँ काफी हेल्पफुल थे वो, उन्होंने सीधा मतलब हमने उन्हें बोला कि सर हमें काफी देर हो गई आने में, हम 8 बजे का सोच के निकले थे लेकिन ट्रैफिक बहुत मिल गया, उन्होंने काफी हेल्पफुली एडजस्ट कर लिया। और भाई अब हो गया हमारा प्रोटीन का टाइम, तो अब हम एक्वाफिना की बोतल में प्रोटीन पी रहे हैं क्योंकि शेकर लाना भूल गए थे हम, प्रोटीन भाई के पास पड़ा हुआ था, भाई ने उठा लिया वो। भाई अब हम कुल्लू में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे वेदर थोड़ा बेटर हो गया, वरना अभी 1 घंटे पहले तक भी यहाँ पे 40 डिग्री हो रहा था, यहाँ फाइनली 30 डिग्रीज हो गया है, अच्छी वेदर की वजह से हम आए हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी सीनरीज भी है, यहाँ पे नदी भी है साइड पे, और रोड भी काफी अच्छी है, डबल रोड है जो कि यूजुअली हाईवेज पे नहीं होती है हिल्स वाले, और यहाँ पे नहर भी जा रही है साथ से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाई पिकअप बहुत प्यारा है गाड़ी का, 1 लीटर है ये, उसके बावजूद बहुत प्यारा पिकअप है, एवरेज इसकी 9.9 की आई है अभी, लेकिन ये पिछले 4 घंटे की एवरेज है, ओवरऑल गाड़ी ने एवरेज दी है 12 के आसपास की, लेकिन गाड़ी को हमने 2000 रुपये का बीच में तेल डलवाया था क्योंकि तेल काफ़ी कम हो गया था गाड़ी का। तो भाई अभी हम ये कोई जगह है जोगिनी वाटरफॉल है शायद इसका नाम, यहाँ आ गए हम सारे लेकिन चप्पलों में आ गए, ये गलती कर दी हमने, बाकी सब जो अकलमंद लोग हैं वो जूते पहन के आए हैं, चप्पलों में हम इसलिए आ गए, हमने सोचा वाटरफॉल है गीला तो होना ही है, बस यहाँ आके पता चला इतना ऊपर चढ़ना है, पैर दर्द हो रहा है अब। तो भाई अभी हम आ गए हैं अब जोगिनी वाटरफॉल है शायद, तो हम यहाँ पे इनके फर्स्ट लेवल के थोड़ा ऊपर आए हैं, फर्स्ट लेवल थोड़ा नीचे है, यहाँ पे फर्स्ट लेवल, तो हम इससे थोड़ा ऊपर आ गए थे, काफी ज्यादा ठंडा पानी है यहाँ का। भाई कैसा लगा यहाँ पे? सही, अच्छा है, पानी बहुत ठंडा है, जगह अच्छी है, बट यहाँ पे
नहा नहीं सकते, ये बात तो है भाई। सोचा था हमने, प्लान किया था नहाने को मिलेगा तो नहा लेंगे, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ ऊपर आते आते नहाने का रह नहीं पाए क्योंकि स्लिपरी बहुत है। भाई ऐसा एक्सपीरियंस है, अच्छा था पानी का, बस थोड़ा टेम्परेचर कम होता तो नहा ले, बस वो रिग्रेट है। बाकी सही है भाई, ये देख लो अगर वाटरफॉल देख लो। तो भाई अभी पुनीत भाई ले रहे हैं प्री वर्कआउट, क्योंकि अब हम सेकंड डे पे जा रहे हैं दोबारा जिम, और अभिषेक भी हमारे साथ है और मेरा छोटा भाई अजर भी हमारे साथ है। तो अभी हम तीनों जा रहे हैं, और ये ट्रैफिक देखो यार, ये जैसे ही थर्सडे फ्राइडे आते हैं इतना ट्रैफिक हो जाता है, इतना ट्रैफिक हो जाता है, सारे दिल्ली वाले घुस के आ जाते हैं, किसी को मतलब कोई काम धंधा ही नहीं है। पूरा एक स्कूप ड्राई मार रहा है पुनीत, ध्यान रखियो किडनी लिवर सब सही रहे तेरा। चलो भाई अभी जिम निकलते हैं, फिर जाते हुए रास्ते में बात करेंगे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं जिम, और अभिषेक भाई ने जिम नहीं देखा तो इसकी कोई खास ऐसी एक्सपेक्टेशंस है नहीं जिम के लिए, क्योंकि हिल स्टेशन में जिम है और हम पहली बार ऐसी जगह पे, मतलब ये पहली बार आ रहा है। वही क्या करेगा आज, फिर शायद बैक ही मार लूं। बैक मारेगा तू, क्या करेगा भाई? बैक एंड बाइसेप्स। ओके ब्रो, हमारा तो बैक एंड बाइसेप्स है, कल ही डिसाइड कर लिया था हमने। एक वाटरफॉल के वहाँ गए थे तो वहाँ पे वैसे ही थकान बहुत हो गई थी टांगों में, ओरिजिनली लेग्स मारनी थी, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं यार बैक बाइसेप्स भी कर लेते हैं। अभिषेक क्या एक्सपेक्टेशन है भाई तेरी जिम की? अब भाई फ्लूइड है तो होपफुली सही होगा, बाकी देखते हैं अंदर से। भाई दिल्ली वाली ब्रांच है, अच्छा ही है, जिम थोड़ा छोटा है लेकिन अच्छा है यार, यहाँ पे बेस्ट जिम यही है, यहाँ पे आपको कोई जिम इससे अच्छा नहीं मिलेगा, पता चलेगा अभी, देख ले भाई देख लियो। तो भाई अभी जिम हम जा रहे हैं और थोड़ा सा गली में जाके है, तो इसको थोड़ा अजीब लग रहा है अभिषेक को, भाई कहाँ ले जा रहा है भाई। भाई सही जगह तो है, मेरे बंजर जमीन भाई, कुछ देखते चल देखते, सही है भाई देख ले, बढ़िया है। तो पहुंच गए हम जिम भाई, क्या हो गया बार बार वेट क्यों कम करना पड़ रहा है? अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ प्रोटीन शेक, और इन लोगों का पोस्ट चल रहा है, कैसे कैसे लोग होते हैं सुट्टा मारे में प्रोटीन बना रहा है, उनको शर्म ही नहीं आती है। क्या कर यार ये सब, वर्कआउट करके आया तू अभी, बता प्रोटीन प्रोटीन है भाई, एक नई चीज़ पता चली है आज, सुट्टे में प्रोटीन होता है, इसलिए पोस्ट वर्कआउट इसको लेना सबसे जरूरी चीज होती है। तो भाई अभी हम वर्कआउट करके आए हैं और पुनीत भाई ने मसाज करवाई है यहाँ पे, जुगनू मसाज करवाई गया भाई, खुदा कर करके चला गया भाई को, जुगनू मसाज काफी पसंद आई है। जुगनू मसाज क्या होती है भाई? भाई करवाते हैं, समय तो नहीं पूछा तूने मैं दो मिनट के लिए पैर नहीं हिलता भाई, कुछ था कि नहीं था ये बताओ? कुछ तो बहुत था, पुनीत को बहुत मजा आया, मजा आ रहा था, नहीं मजा आया भाई, बिल्कुल मजा आया भाई, सही था ना भाई, करके चला गया, मेरी गलती तो है भाई। तूने खुद बोला भैया डेमो दे दो, डेमो दे दो, और उसने पैसे भी नहीं दिए उसको, कितना गंदा आदमी है भाई। तो जो लड़कियां देख रही है इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में डाल देना भाई, इंस्टाग्राम हम यूज नहीं करते, हम यूट्यूब वाले हैं सिर्फ। बढ़िया है भाई, वो फिटनेस पेज आपका ही है ना, अतर गुप्ता वाला भाई, ऐसे कोई फिटनेस पेज नहीं है। लड़की वगैरह वो तो सिंगल है भाई, थोड़ा हेल्प कर देना यार। डन भाई, डील डन भाई, कोई भी लड़की देख रहे हो प्लीज कमेंट में, मैं पुनीत की आईडी टैग कर दूंगा इंस्टा पे, इसको स्टॉप करो, इसकी एक एक फोटो देखो और इससे फिर बात करो, बेचारा काफी दुखी रहता है ना भाई, सेटिंग करा दी तेरी नोएडा में, जो बेचता वो भी हीटअप कर लूंगा, ये सब हम काट देंगे। पुनीत भाई का मन कर रहा है ये वाली मसाज करवाने का, भाई को दुख हो रहा है कि इसको ये वाली मसाज नहीं मिली, और जुगनू मसाज मिली सिर्फ। हाँ भैया इसको इसको करनी है, इसको चाहिए भैया मसाज, क्यों दे देगा भाई? आया जा रहे पूछे जा रहे हैं, मैं मरीज हूँ भाई, जिसकी शक्ल में जो लगता है वही बोलता है सामने वाला इंसान। बढ़िया भाई, लड़कियाँ क्यों ऐसे कमेंट मत पास दिया कर भाई, भाई क्यों लड़कियाँ देखता रहता है यार, हम यहाँ घूमने आए हैं, साइट सीइंग करने आए हैं, लड़कियाँ देखने नहीं आए यार, डेस्परेट हो गया तो भाई, डेस्परेशन की कोई सीमा नहीं होती। जैकेट भी जोड़ते हो भाई, कितनी मसाज करवा रहा है, अभी एक भैया से करवाई है तुम्हें, और एक भैया से, और भाई मैं भी लग गया, लो भाई जी। अरे भाई मत करो यार, हां भाई ना लैंड पे भाई, क्या मजा आ रहा है तेरे को भाई, तू भी करवा, तू भी करवा भाई, मैं तो नहीं करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा ही नहीं, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, अरे नहीं हो रहा भाई, मैं एकदम ठीक हूं, मेरे को जरूरत नहीं है, ये पुनीत भाई करवाए भाई, नहीं चल कम पीस ला लिया, अरे भाई रहने दे, रहने दे मेरे भाई, भाई क्या हो गया यार भाई, पुनीत क्या चल रहा है भाई तेरे साथ,
भाई सबको तू मरीज वाली फील क्यों दे रहा है यार? जो आ रहा है सीधा तेरे पास आ रहा है, मजाक से ये तो भाई खींच गया भाई इतने में। कुछ तो अनोखा होगा भाई, पास ले भाई कैमरा पास ले भाई, कुछ तो अनोखा होगा भाई। भाई क्या कर रहा है भाई? वो हेड मसाज कर रहा था, हेड ले रहा था भाई, उसको हेड पसंद है यार। तो बढ़िया हेड लेता भाई, लेकिन अच्छा नहीं लगा मुझे। पुनीत की तीसरी मसाज है ये, पुनीत आज मसाज के मूड में बैठा हुआ है। जितने लोग हैं वो सब पुनीत को देख के बोल रहे हैं कि भाई इसको मसाज देनी है, और पुनीत मजे में ले रहा है। सबसे डेमो लेता है लेकिन पैसे किसी को नहीं देता, ये बात है, गलत बात है भाई। पैसे तो देने चाहिए भाई, 10-10 रुपए दे देता है भाई, मेहनत कर रहे हैं वो भाई। कोई तरह पैर दबा रहे हैं, देखो प्रेस्टीजियस फील होना चाहिए। वैसे तू साइड आ जा, अभी लोग आएंगे तो फिर देख करके फिर से आएंगे ना, लगेगा यार कि एक बंदा है उसको सही है मसाज। तू लग रहा है थोड़ा सा दुखी है भाई, हंसते रह कर खुश रहकर, जिंदगी में यही सब चीजें इम्पोर्टेंट है भाई। लोग वरना मसाज कर देंगे तेरी भाई, करवा ले मसाज यार। यार मार दे ना मसाज कराने, दिमाग खराब कर चला जा, जान से मार दे यार। फोन मत कर यार पुलिस वाले का, भाई चला जा भाई, अपने गुस्सा मत हो यार, रिलैक्स हो जा भाई, चार्ज करवा लो, रिलैक्स हो जाओगे। क्या हुआ है पुनीत भाई की? भाई चार बार मसाज हुई है, चार बार मसाज करवाई है भाई, पैरों की सिर की नहीं करवाई बट चार बार करवाई है भाई। क्यों ज्यादा वेट उठा लिया? भाई लोग सिर्फ ऐसे अंधा आके सीधा इससे मसाज ले, सीधा भाई सबको पसंद आ रहा है भाई, इसकी पैंट वेंट ऊपर मसाज चालू कर रहा है इसकी सीधा। भाई चार बार हुए, चारों बार में डाल दूंगा उन्हें यार। पुनीत भाई फिर से एक और सर्विस के लिए तैयार हो चुका है, अभी मसाज करवा रहा था, अब गोलगप्पे की सर्विस करवा रहा है। असली मजे तो तू कर रहा है भाई, जुगनू मसाज के बाद जुगनू गोलगप्पे। यहाँ पे भैया अभी हमारे खुश हो रहे हैं, पोस्ट वर्कआउट छुट्टे के बाद पोस्ट वर्कआउट गोलगप्पे भाई खा ले। अबे सच्ची भाई खा ले, अच्छा होगा यार। नहीं खाना नहीं खाना भाई, अच्छा नहीं लगा यार देख के। पानी खा रहा यार तू, तेरे को तो पसंद है। अबे वो सिवी वाले नहीं, वो दिल्ली के पनवाड़ी वाले भी खाता है बस। अच्छा अभी दुखी है थोड़ा, वो सुपारी डालता है ना, इधर नहीं मिलता ऐसे सुपारी वाला। कोई नहीं यार पुनीत खा ले, बिना सुपारी ये नहीं खाएगा यार, मेरे को पता है ना, मैं इसके साथ रहा हूँ बहुत टाइम, मेरे साथ रहा बंदी है मेरी तो भाई। फाइनली आज हम निकल गए स्पीति के लिए और अब आगे मिलते हैं आपसे।